की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होंगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 ज्योग्राफी के आखिरी चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम और लियोनार्डो द विंची के पर्प होते। तो अगर तुम्हें जानना है कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है तो तुम्हें बस उस कंट्री का तीन चीज देखना है, उस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है और ट्रेड कैसा है। यानी कि तुम कह सकते हो ये तीनों चीजें लाइफलाइन है किसी भी कंट्री का। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री यूएसए, दुनिया का सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क यूएसए में है, दुनिया का सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क यूएसए में है। ये तो था ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन का बात करूँ तो गूगल किसका है, यूट्यूब किसका है, यूएसए का है। और जहां तक की बात रहा ट्रेड का, तो पूरा दुनिया तो यूएस से ट्रेड करना चाहता है। तो इसे अब तुम्हें क्या समझ आया यार, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है और ट्रेड है, ये किसी भी कंट्री का लाइफलाइन है। अच्छा, लाइफलाइन से याद आया, चल तो रहा है अब वैलेंटाइंस डे का माहौल, निब्बा निब्बियो का तो सेट है लाइफ, उनके लिए चारों ओर माहौल बना हुआ है। ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर। उसके अलावा तुम्हें इस मौसम में दिखेगा कुछ दिल टूटे हुए आशिक, इनका कहानी सुनो। अब यार इरशाद तो बोलो, शायरी देने वाला तुम लोगों के सामने। इरशाद इरशाद, तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं हमने, तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं हमने, सूख गया गुलाब का फूल, फेंका नहीं हमने। बस बस बस, फिर आते हैं हमारे जैसे मनहूस निब्बा निब्बियों के खुशी से जलने वाले। जिंदगी हमारी रोज ले रही है, हम किसी को क्या रोज दे के प्रपोज करेंगे। खैर यार, ज्यादा इमोशन में नहीं बहते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि चीजों को या हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब चीजों को हम कई तरह से पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। पहला तरीका है जमीन। पहला तरीका है जमीन, दूसरा तरीका है वाटर और तीसरा तरीका है एयर। तो जमीन के अंदर में तीन तरीका है, रोडवे, रेलवे और पाइपलाइन। वाटरवे के अंदर में इनलैंड वाटरवे और ओवरसीज। अब इनलैंड वाटरवे का मतलब है जब तुम नदी का इस्तेमाल करते हो चीज़ों को पहुंचाने में, दैट्स इनलैंड वाटरवे। और जब तुम चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाई सी लेके जाते हो, दैट्स कॉल्ड ओवरसीज। और जो आखिरी तरीका है एयर, इसके अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो जो सबसे पहला है जमीन के अंदर में रोड ट्रांसपोर्ट जमीन। अब रोडवे के मामले पे तुम्हें पता ही है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क यूएसए का है, बट दूसरा नंबर हमारा है, याद रखना। तो क्योंकि हमारा रोड नेटवर्क इतना बड़ा है, दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं, तो हमने इसे छह तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा स्टेट हाईवे, चौथा डिस्ट्रिक्ट हाईवे, पांचवा अदर हाईवे और आखिरी बॉर्डर रोड। जो पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क का सिस्टम है जो कनेक्ट करता है इंडिया के चार मेगा सिटीज दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। और बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूं तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और फिर सिलचर यानी असम से पोरबंदर यानी कि गांधी जी के नगर तक कनेक्ट करता है बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जो तुम्हें पूरा क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बना हुआ रोड नेटवर्क दिख रहा है ना, इसे बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर है नेशनल हाईवे यानी कि ऐसे हाईवे जो फैसिलिटेट करता है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को। देखो सिंपली बोलू तो ऐसे रास्ते जो कनेक्ट करता है इंडिया के जितने भी स्टेट के कैपिटल है उन्हें, और इसी के साथ ही साथ कैपिटल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज है उनके साथ भी कनेक्ट करने वाला रोड को कहते हैं नेशनल हाईवे। और इंडिया के अंदर में जो पहला नेशनल हाईवे बना था वो था NH1, जिसे हम जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, जो कि कनेक्ट करता था दिल्ली से लेके अमृतसर यानी पंजाब तक। और इंडिया के अंदर में जो नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जिम्मेवारी लेके रखा हुआ है CPWD ने, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
फिर आता स्टेट हाईवे, यानी कि ऐसे रोड जो स्टेट के कैपिटल से उनके डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, और इसे बनाने का जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है PWD ने, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि ऐसे रोड जो एक स्टेट के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना, उससे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर में उसे कनेक्ट करता है, उन रोड को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर है अदर रोड, तुम इसे कह सकते हो रूरल रोड, गांव के जो सड़क है ना, कच्चे टूटे फूटे, ये है अदर रोड्स के अंदर में, जो कि कनेक्ट करता है हमारे गांव विलेजेस को टाउन्स के साथ, और जिनका कंडीशन सही बोलो तो बहुत बुरा है इस समय इंडिया के अंदर में। हमारे गांधी जी ने कहा था एक समय, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं ये बात, कि अगर हमें डेवलप करना अपने कंट्री को तो सबसे पहले हमें अपने गांव को डेवलप करना पड़ेगा। बट इन प्रैक्टिकल गांव का हालत बहुत बुरा है, फिर भी इनके मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा पानी लगता है वो दिया जाता है। एक गवर्नमेंट का स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में गांव में जितने भी रोड्स है कच्चा रोड्स, इन्हें पक्का बनाने का जितना ये फाइनेंस चाहिए होता है प्रोवाइड कराया जाता है। बट वो हमें पता है कि सड़क कितने बढ़िया बनते हैं, सबको पता है, जो यार गांव में रहते हैं उन्हें तो स्पेशली पता है, मैं आगे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। इसके बाद है यार बॉर्डर रोड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ना डायरेक्ट रोड के बारे में नहीं आ सकता है, बट जो बॉर्डर रोड को बनाता है ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें पता है कि बॉर्डर रोड बनाया जाता है ब्रो के द्वारा, और ये जो ब्रो है इसे बनाया गया था 1960s को। इसे बनाया गया था इस मोटिव के साथ कि ये जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, यहाँ तक सड़कों को डेवलप करे, क्योंकि देखो ये एरियाज में डिफरेंट टेरेन, यानी कि ऊबर खाबर पहाड़ों से भरे हुए एरियाज है जहाँ यार आसानी से सड़क नहीं बनते। तो ये ब्रो का जिम्मेदारी था कि इन जगह तक भी रोड्स बने, जिससे कि हमारा कनेक्टिविटी बढ़े, और साथ ही साथ जब कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप भी इन एरियाज के लिए खुलेगा। तो ये था 6 क्लासिफिकेशन। इसके अलावा ना देखो दो और क्लासिफिकेशन है, मेटल और अनमेटल रोड। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा कच्चा रोड पक्का रोड, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यार, मेटल रोड यानी पक्का रोड, अनमेटल यानी कच्चा रोड। मेटल रोड को बनाने के लिए चाहिए सीमेंट और कंक्रीट, ये बेसिकली जो शहरों पे रोड दिखता है तुम्हें वही है, और जो अनमेटल रोड है पता ही है तुम्हें, इन्हें बनाने के लिए मड और ग्रेवल्स बन जाता है इनसे, ये बेसिकली जो गांव में पाया जाता है रोड्स वही है। फिर हम बात करते हैं रोड नेटवर्क का कुछ एडवांटेजेस का। देखो पहला चीज़ तो रोड नेटवर्क को बनाना थोड़ा सस्ता रहता है रेलवे नेटवर्क से। दूसरा चीज़, ये जो पहाड़ी इलाके है यहाँ तुम रेलवे नेटवर्क को नहीं पहुँचा सकते, बट रोड्स आसानी से पहुँचा जा सकता है। तीसरा, अगर तुम्हें करना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो इसमें भी रोड्स इकोनॉमिकल रहते हैं। और चौथा यार, रोड प्रोवाइड करता है हमें डोर टू डोर सर्विस, जो भी चाहिए यार ऑर्डर करो जोमेटो से, आ जाएगा तुम्हारे पास घर पे बिल्कुल। और आखिरी, रोड यार दूसरे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी सपोर्ट करता है। देखो कैसे, मान लो तुम्हें जाना है रेलवे स्टेशन, तुम कैसे जाओगे? अभी भी पैदल चल के जाएंगे। अबे मान लो पैदल नहीं जाना है, टैक्सी से जाना है। नहीं बीबी, टैक्सी क्यों जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, हेल्थ के लिए भी सही रहता है। अभी यार मान लो ना टैक्सी से चलोगे तुम। नहीं बीबी, हमें मानना ही नहीं है, हम तो चलेंगे पैदल ही। अबे कौन लेके आया इसे यार, कंट्रोल कंट्रोल। सुनो मैं जाऊंगा जब रेलवे स्टेशन, तो मैं क्या करूंगा, टैक्सी से जाऊंगा रास्ते से होके रेलवे स्टेशन, फिर वहां से मैं ट्रेन के पटरी से अपने गांव जाऊंगा, समझ गए? तो यह रोड एज ए फीडर, यानी कि इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। फिर यार बात करते हैं कि रोड नेटवर्क के साथ इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या है। इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें और चाहिए, और जितने भी रोड है वो भी भरे हुए ट्रैफिक से, कंजेस्टेड है, और रोड का हालत तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, पता है टूटा फूटा, मतलब यार हमारे यहाँ हालत तो कुछ ऐसा है, बस तुम आधे किलोमीटर चलो और एक बड़ा सा गड्ढा, जहाँ तुम गिरोगे तो बस अलग ही दुनिया में जाके निकलोगे। तो ऐसा कुछ आई गेस 50% इंडिया का हालत ऐसा ही है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही है। अब तुम लोग का पता नहीं, मुझे तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम लोग की सड़क कैसा है, बड़ा सा गड्ढा दिखता है कि नहीं दिखता है, जहाँ तुम बरसात के मौसम में नहा तक सकते हो। फिर हम बात करते हैं रेलवे का। देखो अगर तुम्हें लेके जाना है कोई भारी चीज़, बहुत ही भारी, तो इसके लिए तो बेस्ट है रेलवे। इंडिया के अंदर में रेलवे पहली बार अंग्रेजों ने शुरू किया था, और जो पहला पैसेंजर ट्रेन इंडिया के अंदर में चला था 1853 को मुंबई से लेकर थाने तक,
आई गेस इसने कवर किया था 34 किलोमीटर के आसपास। हाँ और तुम्हें शायद पता है कि नहीं पता, बट इंडिया तीसरे नंबर पे आता है दुनिया के अंदर में रेलवे नेटवर्क के मामले पे। तो पूरा जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया के अंदर, इसे हमने 16 नहीं, किताब में 16 लिखा हुआ है, गलत है, 18, इस समय 18 है, 18 जोन्स में बांटा हुआ है। अब यार ध्यान दो, एक क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर में ना रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ में रीजन वाइज बात करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है नॉर्दर्न प्लेन पे, नॉर्दर्न प्लेन बोलो तो राजस्थान से लेके जो बिहार और वेस्ट बंगाल तक का रीजन है, इसे तुम कह सकते हो नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो जब हम रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बनाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद एक रिवर आता है। अब इस रिवर को पार करने के लिए हमें एक ब्रिज बनाना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम है आई गेस। हाँ, दूसरा ये जो पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि सदर्न इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या होता है रेलवे ट्रैक को बिछाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होता है, पहाड़ बहुत ज़्यादा है इधर। तो हमें क्या करना होता है, टनल्स बनाना होता है और पहाड़ों के बीचों से ये रेलवे ट्रैक को लेके जाना पड़ता है, तो डिफ़िकल्टी है यहाँ भी। और जो आखिरी रीजन इंडिया का, हिमालयन माउंटेन के आसपास का जो भी है एरियाज, यहाँ तो भाई रेलवे लाइंस को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है भाई। पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना एक रेलवे नेटवर्क। इसलिए तुम देखोगे भी जो स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, यहाँ रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है। अब ये तो था चैलेंजेस रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में, बट यहाँ इंडियन रेलवे को चलाने के लिए भी ना कई सारे प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि यहाँ लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं ट्रेन पे, साथ ही साथ लोग यार चोरी, डैमेजेस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये सब भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। रिसेंटली यार देखा हमने, स्टूडेंट्स यार प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, शायद रेलवे का एग्ज़ाम्स को लेके कुछ सीन था, तो डिमांड चल रहा था, बातचीत चल रहा था, बट अचानक से क्या होता है, उन्हें शायद गुस्सा आ जाता है, कुछ भी होता है, वो लोग क्या करते हैं यार, पूरा ट्रेन को जला देते हैं। तो ऐसा चीज़ होता है यार इंडिया में, क्या बात करें, अब रिएक्ट नहीं कर पाता मैं ये सब चीज़ों में, बस बहुत ही नॉर्मल सोच के चला जाता हूँ, बट है नहीं नॉर्मल, ठीक है। और आखिरी जो है ये बकचोदी, तो हमने बचपन में हमेशा करने का सोचा बहुत है यार, जो ट्रेन का चेन होता है ना लाल कलर का, सोचते कि खींच दे और ट्रेन को रोक के बाहर जाके यार थोड़ा मस्ती करके आए, बट करते नहीं है, करते तो पता नहीं पुलिस पकड़ के समझ रहे हो। फिर यार चलो बात करते हैं अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, काफ़ी नया है ये। तो शुरुआती तौर पे तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया, जो भी हमारे घरों पे पाइप पे पानी आता है इस पे, बट धीरे धीरे हमने समझा कि यहाँ हम सिर्फ पानी ही नहीं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसी चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। और जब हमारे कलीजे को इससे भी ठंडक नहीं मिला, तो हमने क्या किया, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसे भी थोड़ा चिपचिपा करके, यानी कि थोड़ा स्लरी करके ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आगे ना मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरे बगल वाली आंटी है ना, शर्मा आंटी, इसे और जितने भी कॉलोनी के लोग हैं इन्हें भी, मतलब भाई साहब दिन को ना वॉइस ओवर करा ही नहीं जा सकता हमारे घर, नहीं पीछे यार कुत्तों की तरह भौंकते, ऐसा नहीं लगता कि मेरे पीछे इंसान है, नहीं कुत्ते हैं साले, इतने भौंकेंगे कि भाई वीडियो बनाने के बाद तो सोच भी नहीं सकता। तो जो भी करना होता है मुझे रात के 3 बजे तक, ठीक है अभी 3 बज रहा है, अब मैं कर रहा हूँ। तो अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं क्या करूँगा, इन सालों को पाइपलाइन से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दूँगा, ऐसा जगह मतलब वापस ना आए ये लोग, बस इतना हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब यार एडवांटेज का बात करते कि अगर तुम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें क्या एडवांटेज मिलता है। देखो शुरुआती तौर पर बनाने में काफ़ी खर्चा जाता है, ऑब्वियस बात है, तुम ज़मीन को खोद के पाइप लगाओ के लंबा सा, पैसा बहुत लगेगा शुरुआती तौर पर, बट अगर एक बार बन गया उसके बाद भाई 1 रुपये भी खर्चा नहीं, बस तुम्हें इस्तेमाल करते जाना है। फिर यार देखो यही पे एक चीज़ है कि अगर तुम रोड या रेलवे का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ में क्या होता है, चीज़ों को हम एक जगह लोड करते हैं फिर अनलोड करते हैं, तो यहाँ समय लगता है, रुकता है वो चीज़, बट पाइपलाइन में ऐसा नहीं होता है। ये जो ट्रांसशिपमेंट का जो टाइम होता है ना कि रुकाया फिर लोडिंग किया फिर अनलोडिंग किया, ये सब चीज़ों में देर नहीं लगता, मतलब भाई साहब सीधा एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ से निकालो, मतलब भाई साहब समय की बर्बादी नहीं है यार, सीधी बात है। तो इसी बात पे यार जान लो कि इंडिया के अंदर में
तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स है, वो क्या क्या नाम है उनका? तो जो पहला नाम है ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, जो कि बेसिकली यूपी पे है। तो सीधा बोलूँ तो पहला पाइपलाइन कनेक्ट करता है आसाम से लेके कानपुर तक। और ये कौन सा जगह से गुजरता है? तो गुवाहाटी और अलाहाबाद। उसके बाद जो दूसरा पाइपलाइन है ये गुजरात से लेके पंजाब तक चलता है। सलाया गुजरात पे एक जगह है, वहाँ से लेके पंजाब के जलंधर तक। और ये पाइपलाइन टच करते हुए जाता है विरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत को। और जो आखिरी पाइपलाइन है ये जाता है गुजरात के अंदर में एक जगह है हजीरा, वहाँ से लेके यूपी पे एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ तक कनेक्ट करता है। और ये होके गुजरता है विजयपुर, कोटा, शाहजहानपुर और बड़ोदरा। देखो इन तीनों पाइपलाइन को तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। बस ऐसे याद रख लेना, जो पहला पाइपलाइन है वो आसाम से लेके यूपी को कनेक्ट करता है यानी कि कानपुर तक, दूसरा पाइपलाइन गुजरात से लेके पंजाब यानी कि सलाया से लेके जलंधर तक, और तीसरा वो भी गुजरात से लेके यूपी को कनेक्ट करता है हजीरा से लेके जगदीशपुर तक। इतना अगर कर लोगे याद तो भी बहुत है। चलो ये तो हो गया हम जमीन में जितना हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, अब बात करते हैं कि हम वाटर से कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो वाटरवे सबसे पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पता है तुम्हें? अंग्रेज इंडिया पे आए थे वाटरवे के द्वारा, ना वास्को डा गामा इंडिया पे आते और ना हम अंग्रेजों के गुलाम बनते। खैर जो हो गया हो गया, बट तुम जान लो कि वाटरवे का क्या क्या बेनिफिट्स है। देखो वाटरवे सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और जो भारी भारी सामान है ना, बहुत भारी भारी सामान, उन्हें बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कराने के लिए, मान लो एक सामान है जो इंडिया से जा रहा है अमेरिका, तो वो बेस्ट रहेगा कि तुम उसे लेके जाओ वाटरवे से। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम इंडिया से लेके अमेरिका तक रेलवे लाइन बिछा दोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट वही रहेगा कि तुम वाटरवे का इस्तेमाल करो। इसके अलावा देखो इसका फ़ायदा ये भी है कि ये फ्यूल इफिशियंट है, मतलब काफ़ी कम तेल खाता है, और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब ऐसा बात है, फ्यूल इफिशियंट है, तेल कम खाता है, तो यार इन्वायरमेंट को भी समझ ही रहे हो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। अब ये जो वाटरवे है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है इनलैंड वाटरवे, यानी कि तुम कंट्री के अंदर ही पानी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को पहुंचाते हो, तो उसे कहते हैं इनलैंड वाटरवे। ये देखो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं रिवर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। और दूसरा जो होता है ओवरसीज, मैंने बताया तुम्हें जब तुम इंडिया से सामान किसी दूसरे कंट्री में पहुंचा रहे हो तो तुम डायरेक्ट सी का इस्तेमाल करोगे। तो देखो पहले बात करते हैं इनलैंड वाटरवे का। अब इनलैंड वाटरवे में तुम्हें 5 नेशनल वाटरवे का नाम याद करना है। जैसे हमने नेशनल हाईवेज को देखा था उसी तरीके से यहाँ नेशनल वाटरवे है। पहला जो है NW 1, ये है गंगा रिवर पे अलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, ठीक। दूसरा है NW 2, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 2, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जो कि सदिया से लेके धुबरी तक है। दिख रहे हो यहाँ पे इनलैंड वाटरवे मतलब रिवर्स है, तो यहाँ पे तुम्हें रिवर्स का नाम याद करना है और कौन सा जगह पे रिवर, बस वो याद करना है। जैसे हमने देखा पहले गंगा रिवर अलाहाबाद से लेके हल्दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सदिया से लेके धुबरी, और जो तीसरा नेशनल वाटरवे है वो तुम्हें मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट कैनाल केरला पे, और फोर्थ रिवर गोदावरी से कृष्णा के बीच, और जो आखिरी फिफ्थ नेशनल वाटरवे है ब्रह्मनी रिवर से लेके महानदी डेल्टा तक। रिवर का नाम बिंदास याद कर लोगे, बस और कुछ नहीं है। अब इसके अलावा जो मैंने बताया तुम्हें, एक तो इनलैंड वाटरवे है और जो दूसरा था ओवरसीज। अब इसके लिए हमें मेजर पोर्ट्स को याद करना है बस, ठीक है। तो देखो इंडिया के अंदर में ना इस समय 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 माइनर पोर्ट्स है। तो हम स्टडी करेंगे इन 12 मेजर पोर्ट्स को। पोर्ट्स यानी पता है ना तुम्हें, एक ऐसा जगह जहाँ हमें सिर्फ रुकते हैं, सामान या इंसानों को रखते हैं वहाँ पे और उठाते भी है फिर, और जहाँ लेके जाना होता जाते है, ठीक है। तो 12 पोर्ट्स है इंडिया में, देख लेते हैं। तो जो पहला है कांडला पोर्ट, जिसे हम जानते हैं दीनदयाल पोर्ट के नाम से। देखो ये बनाया इसलिए गया था कि इंडिया का जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है ना मुंबई पोर्ट, इसमें प्रेशर ना पड़े। ये इंडिया का इतना बिजिएस्ट पोर्ट है, यहाँ शिप्स को रखने का जगह नहीं होती कि कहाँ रखे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हमने इसलिए कांडला पोर्ट बनाया।
देखो आज़ादी से पहले हमारे पास कराची पोर्ट था, बट आज़ादी के बाद ये रहा नहीं हमारे पास, तो हमें मजबूरन इस कांडला पोर्ट को बनाना पड़ा ताकि हम ये मुंबई पोर्ट का प्रेशर को संभाल पाए। अब जब मुंबई पोर्ट का नाम आ ही रहा है तो इनका बात करते हैं। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। अब देखो यहाँ में दो कॉन्सेप्ट आएगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोर्ट्स। इन्हें समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि पोर्ट बनते कैसे। देखो एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि सी के आसपास है, जो कि नेचुरली ऐसा बना हुआ है जहाँ तुम जहाज़ों को आराम से लाके खड़ा कर सकते हो और जो भी सामान होगा तुम्हारा वो तुम लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हो। उस जगह को कहेंगे हम नेचुरल पोर्ट। और एक ऐसा जगह जो कि नेचुरली नहीं बना हुआ है, हमने उस ज़मीन को काट पाट के ऐसा बनाया है कि हम वहाँ अब जहाज़ों को अब खड़ा कर सकते हैं, तो उस जगह को कहेंगे हम आर्टिफिशियल पोर्ट। तो हमारा जो ये मुंबई पोर्ट है ना, ये नेचुरल पोर्ट है। अब देखो ये इतना बिजीस्ट पोर्ट है तो यही पे जो हमारा तीसरा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे भी बनाया गया था ताकि हम जो है मुंबई पोर्ट में जो इतना ट्रैफिक आता है ना, इसका जो ट्रैफिक है उसे कम आ सके, मतलब इसे डिकंजेस्ट कर सके। देखो ये चीज़ गलती मत करना, काफ़ी लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि मुंबई पोर्ट को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग है। मुंबई पोर्ट का प्रेशर को रोकने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट काफ़ी आसपास ही बनाया, तो इसीलिए कई लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही होते होंगे, बट एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फिर हम बात करते हैं मोरमुगाव पोर्ट के बारे में। ये तुम्हारा गोवा पे है। इस पोर्ट को बनाया इसलिए गया था कि देखो इंडिया के अंदर में जो फाइन क्वालिटी के आयरन ओर मिलता है ना, इन्हें बाहर कंट्री पे एक्सपोर्ट किया जा सके इस पोर्ट के द्वारा। और बिल्कुल इसी तरीके का सेम चीज़ है न्यू मैंगलोर पोर्ट पे, बस यहाँ में डिफरेंस ये है कि ये कर्नाटका पे है, बाकी यहाँ भी वही होता है आयरन ओर का एक्सपोर्ट। फिर हमारा कोची पोर्ट, ये इंडिया का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट पे है इन केरला। अब ये जो पोर्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न से बना हुआ है, बाहर से लगूंस दिया हुआ है और अंदर पे एक नेचुरल हार्बर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। फिर है यार टूटीकोरिन, ये इंडिया का एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट है जो कि तमिलनाडु पे है। अब इस पोर्ट का खासियत ये है कि ये एक नेचुरल हार्बर है, साथ ही साथ एक रिच हिंटरलैंड है। फिर हम बात करते हैं चेन्नई पोर्ट का, तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। देखो इससे पहले हमने बहुत ज़्यादा पोर्ट्स पढ़ा था जो कि नेचुरल था, बट चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसे हमने खुद बनाया है। और मुंबई पोर्ट के बाद चेन्नई सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है, तो तुम कह सकते हो टेक्निकली मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे जो पोर्ट आता है इंडिया का सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रैफिक हर चीज़ में, वो है चेन्नई पोर्ट। फिर यार विशाखापट्टनम पोर्ट, ये इंडिया का सबसे गहरा डीपेस्ट लैंड लॉक और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि हम इंडिया का आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर सके। तो तुम लोग के लिए यह एक सवाल है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट कौन से स्टेट पे इंडिया का, और क्या तुम उस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये भी बताना। फिर अगला है पैराद्वीप पोर्ट, ये पोर्ट है ओडिशा का और ये भी स्पेशलाइज है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में। मतलब तुम अगर ध्यान से देखो इंडिया के ज़्यादातर पोर्ट आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में स्पेशलाइज है। तुम लोग यार घबराना मत, मैं एक डिटेल एनिमेटेड वीडियो लाऊंगा तुम लोगों के लिए जहां मैप को डिस्कस करेंगे पूरा इंडिया का, ऐसा समझाऊंगा ना तुम्हें भाई, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेना छप जाएगा दिमाग पे। और इस चीज़ के लिए तुम्हें करना पड़ेगा मुझे सपोर्ट, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर तो करना अपने दोस्तों के साथ, भूलना मत, क्योंकि यार तुम लोग के सपोर्ट से मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है ना, ये यार ऐसे काम को करवा सकता है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर यार बढ़ते अब अगले पोर्ट की ओर जो कि कलकत्ता पोर्ट। अब ये ना एकलौता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी कि ये ऐसा पोर्ट है जो कि डायरेक्टली सी से कनेक्टेड नहीं है। अगर तुम कलकत्ता का लोकेशन देखो तो वो सी के आसपास नहीं है, थोड़ा अंदर है, बट यहाँ कई सारे रिवर्स है, उसकी मदद से हम जो भी हमारा सामान बाहर लेके जाना होता है हम लेके जाते हैं। पहले हम ये रिवर से कनेक्ट होते हुए फिर हम सी तक कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमने कहा इसे ये है रिवराइन पोर्ट। और देखो ये जो कलकत्ता पोर्ट है ये एक समय बहुत ही बिजीएस्ट पोर्ट हुआ करता था, तुम्हें पता है कि नहीं पता, बट इंडिया का जो कैपिटल है एक समय पे कलकत्ता हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के समय पे, बट फिर अंग्रेज़ों ने इसे शिफ्ट कर दिया। बट उस समय में ना ये पोर्ट का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा था, और जैसे मुंबई पोर्ट का प्रेशर को कम करने के लिए हमने कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया है, उसी तरीके से कलकत्ता पोर्ट का ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया हल्दिया पोर्ट।
अब इस पॉइंट पे आके मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों का लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन पे। देखो, एयरवेज या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्टेस्ट, सबसे कंफर्टेबल और सबसे प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि तुम बहुत ही जल्दी ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो, और ये जो चीज़ है अमीरों के लिए भाई, हम गरीबों के लिए नहीं है। हमारे लिए तो यार रेलवे का जनरल डब्बा ही बहुत है, हम चल लेंगे एडजस्ट करके जैसे भी चले जाएंगे। नहीं होगा यार हमसे, इतना पैसा हम पे नहीं है। बट तुम लोग में से अगर कोई अमीर जादे हो तो तुम लोग बता सकते हो कि तुमने जब पहली बार कोई एरोप्लेन या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया था थ्रू एयर, तो तुम्हें कैसा लगा था। खैर यार, एयरवे काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, पता है तुम्हें। बट जहाँ रेलवे, रोडवे, वाटरवे नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पहुँच सकता है एयरवे। जितने भी इंडिया के डिफ़िकल्ट टेरेन्स है, पहाड़ी इलाके, वहाँ तक ना रोड बन सकता है, ना रेलवे बन सकता है, और ना ही वहाँ तुम जा सकते हो कोई शिप लेके। तो तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन यही है कि तुम चॉइस कर लो एयर ट्रांसपोर्टेशन को। अब आज़ादी के बाद इन 1953 हमने जितने भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसे कर दिया नेशनलाइज, जिसका मतलब ये था कि 1953 के बाद जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट का मीडियम्स है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। और यही पे रोल आता है हमारा एयर इंडिया का, जो तुम्हें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल थ्रू एयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया पवनहंस हेलीकॉप्टर्स। तो ये दो चीज़, एयर इंडिया और पवनहंस हेलीकॉप्टर, ये तुम्हें एयर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने। अब देखो यार, इंटरेस्टिंग कहानी ये है, जो ये एयर इंडिया है ना, ये एक समय में टाटा ग्रुप का पार्ट हुआ करता था, इसे हम जानते थे टाटा एयरलाइंस के नाम से। बट 1953 के बाद टाटा एयरलाइंस का कंट्रोल आता है गवर्नमेंट के पास और इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया जाता है। और यही पे एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी ये है कि ये जो एयर इंडिया है, इसे वापस से टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तुम इसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, शायद तुम भी इसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले सकते हो। इसके बाद देखो, तुम्हें पता है एयरवेज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना हुआ होता है। फिर भी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, यहाँ पे देखने मिलता है हमें कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है कि उसका इस्तेमाल आम लोग भी करें, यानी कि आम लोगों के लिए यहाँ थोड़ा सस्ता कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है कि क्यों एयर ट्रांसपोर्टेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इतना एम्फेसाइज किया जाता है, बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जाता है। पहला चीज़ तो देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर एग्जांपल पे ले लो, बहुत ही बड़ा रिवर है। इसे छोड़ो यार, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ ना तुम एक दो किलोमीटर चल के जाओगे एक ब्रिज आएगा, फिर तुम चलो एक दो किलोमीटर तुम्हें फिर ब्रिज दिखेगा, मतलब भाई साहब हर 2-3 किलोमीटर के बाद तुम्हें एक ब्रिज, एक नदी दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ रोड्स को, रेलवे को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है इंडिया का 60-70% फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे है, यहाँ भाई जंगल ही जंगल है, बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में। अब देखो, ये चीज़ देखने में तो सुंदर लगता है हमें, बट जब हम रोड्स और रेलवे को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना, तो यही चीज़ हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। और आखिरी चीज़, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे इतने पहाड़ है, इतने पर्वत है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो यहाँ पे रोड्स और रेलवेज को हम नहीं ला सकते, तो हमें ना चाहते हुए भी एयरवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए हम आम लोगों के लिए जितना हो सके एयरवेज को जितना हो सके सस्ता रखने का कोशिश करते हैं, ताकि आम लोग भी एयरवेज से ट्रैवल करें। अब इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कच्चा चिट्ठा ख़त्म, बस इतना ही तक था। देख रहे हो, चैप्टर का हमने 80% ख़त्म कर लिया है, अब जाके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ख़त्म होता है। अब हम भरेंगे कम्युनिकेशन पे। देखो, जब बात आता है कम्युनिकेशन का, तुम्हें पता है पहले समय पे जो हमारे आसिक लोग होते थे ना, वो कैसे अपने चिट्ठियों को पहुंचाते थे, कबूतर से। लंबा कहानी है भाई, उधर नहीं जाते हुए मुद्दे पे आते हैं सीधा। कम्युनिकेशन करने का दो तरीका है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में तुम किसी भी इंसान के साथ पर्सनली कनेक्ट हो रहे होते हो, जैसे कि फ़ोन से, लेटर्स से, ऐसे कई सारे चीज़। और मास कम्युनिकेशन के हेल्प से तुम कई लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस। ये सब तो छोड़ो यार, पुरानी बात है, मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ।
आज अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर खोल के पढ़ा रहा होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पढ़ा हुआ था? 30-40 मैक्सिमम 50, उससे ज़्यादा नहीं। बट होता क्या है, इस यूट्यूब की मदद से ये जो आवाज़ तुम सुन पा रहे हो, इंडिया के शायद कोई भी कोने में बैठे हुए हो, शायद तुम सदर्न इंडिया से हो, शायद तुम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हो, शायद तुम राजस्थान कश्मीर कहीं से भी हो सकते हो, बट तुम सुन पा रहे हो ड्यू टू मास कम्युनिकेशन। अब ये दो चीज़ तो एक जनरलाइज तरीका है कम्युनिकेशन का। अब हम देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया के अंदर में कम्युनिकेशन करने का क्या क्या तरीका है। तो जो सबसे पहला है इंडियन पोस्टल नेटवर्क। अब पोस्टल नेटवर्क के मामले पे इंडिया आता है एक नंबर पे। अब मुझे पता नहीं ये कैसे हो रहा है, चिट्ठी लिखना तो हमने कई सालों पहले छोड़ दिया है, फिर भी घिस पिस के ये सेक्टर चल रहा है। बट इसके बाद जो हमारा अगला मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से इंडिया के अंदर में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टेलीकॉम नेटवर्क्स का। पूरी दुनिया के अंदर में चाइना के बाद इंडिया आता है दूसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क। और इसमें हमें मदद करता है सबसे ज़्यादा एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अगर हम रहते हैं VSNL या गवर्नमेंट के कुछ भी सीन पे तो शायद ये इतना बड़ा नहीं हो पाता। फिर जो तीसरा तरीका है मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, वो है मास कम्युनिकेशन। देखो इसके अंदर में तुम्हें चार इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है बस। पहला देखो ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं। दूसरा नेशनल टेलीविजन चैनल दूरदर्शन। अब ये वो चैनल है जो एक समय पर लेजेंडरी हुआ करता था, बट आज के समय पर तो बस बहुत ही लिमिटेड रह गया है। बट फिर भी ये इंडिया का एकलौता नेशनल टेलीविजन चैनल है जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो है न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर का बात करूँ तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर छपते हैं हिंदी लैंग्वेजेस में, और इसके बाद इंग्लिश और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है इसमें भी न्यूज़पेपर आता है। बट फिर भी देखो दुख की बात यह है, इतना बड़ा इंडिया है, इतने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट इंडिया के पास एक ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो इंटरनेशनली जाना पहचाना जाए। जैसे कि देखो चाइना के पास द ग्लोबल टाइम्स है, ये उसका स्टेट मीडिया है जिसका न्यूज़ पूरा दुनिया में पढ़ा जाता है, मतलब तुम कह सकते हो ये इंटरनेशनल ब्रांड है। उसी तरीके से USA के पास न्यूयॉर्क टाइम्स, यूनाइटेड किंगडम के पास BBC, देख रहे हो। बट इंडिया के पास ऐसा कोई इंटरनेशनली न्यूज़ चैनल या फिर कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया को काम करना चाहिए और कुछ ऐसा लाना चाहिए। फिर आता आखिरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें ना हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं बात कर रहा हूँ मूवीज़ या फिल्म्स का। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म बनाने पे, ठीक है। हम इतने ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं, इतने ज़्यादा कि दुनिया सोच भी नहीं सकता। हम हॉलीवुड तक मूवीज़ को जो बनाने का क्वांटिटी है, मतलब यार हर दो दिन बाद एक नया मूवी रिलीज़ होता है इंडिया के अंदर में। इस चीज़ से हम हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकते हैं, मतलब भाई साहब इतना मूवी बनता है इंडिया के अंदर में, अलग ही क्रेज़ है हमारा। और जब से यार वेब सीरीज़ बनना शुरू हुआ ना तब से तो पूछो मत भाई। खैर यार इसी बीच में तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मूवीज़ बनता है इंडिया के अंदर में इसके अंदर में कोई गलत चीज़ें ना दिखाया जाए, मतलब इसे मॉनिटर करने के लिए एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये क्या करता है, सर्टिफाइड करता है कोई फिल्म देखने लायक है या नहीं है आम लोगों के लिए। इसके बाद यार आखिरी टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो जब हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं लोगों के बीच, स्टेट के बीच या फिर कंट्रीज़ के बीच, तब हम उसे कहते हैं ट्रेड। अब ये ट्रेड कई तरीके का होता है। मान लो ट्रेड हो रहा है इंडिया का कोई सिटी, टाउन और विलेजेस पे, तो तुम उसे कहोगे लोकल ट्रेड। फिर मान लो कि ट्रेड हो रहा है अब इंडिया के स्टेट्स के बीच, दो या दो से ज़्यादा, तब तुम उसे कहोगे स्टेट लेवल ट्रेड। और आखिर में मान लो कि इंडिया किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है तो उस ट्रेड को कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है, ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब यही गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंटरनेशनली कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड से तुम पता कर सकते हो कि एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो कितना डेवलप्ड है और नहीं है। और ये चीज़ जानने के लिए तुम्हें बस दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, उस कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना है। यानी कि तुम कह सकते हो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपोनेंट है ट्रेड का। और यही पे एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। अब ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देखो दो कंडीशन होता है, अगर तुम्हारा कंट्री दूसरे कंट्रीज को सामान बेच रहा है यानी कि तुम्हारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट से, तब हम उसे कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
जो कि ऑब्वियस सा बात है इंडिया के साथ कभी नहीं होता। हम इंडियंस ज़्यादा सामान दूसरे कंट्री से मंगाते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट कभी भी ज़्यादा नहीं रहता है, हमारा ज़्यादा रहता है इम्पोर्ट। तो इसके लिए हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे, जब कोई कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा होता है एक्सपोर्ट से, तब उसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इंडिया हमेशा ही करता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ज़्यादातर जो तुम अपने घर पे सामान देख पाओगे, या तो वो चाइनीज़ होगा, या तो वो अमेरिकन होगा, या तो वो साउथ कोरियन होगा, या तो वो जैपनीज होगा। इंडियन सामान काफ़ी कम है, इसके वजह से हमारा जो है इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो अगर कोई कंट्री को डेवलप करना है तो सही में बता रहा हूँ, उस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ना कि इम्पोर्ट। यानी कि हमें ज़्यादा दूसरों को सामान बिकवाना चाहिए, ना कि खुद खरीदना चाहिए। इतना समझ गए। अब दो चीज़ है, इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने यह लिस्ट दिया हुआ है, तुम थोड़ा नज़र मार लेना, समझ जाओगे, बहुत आसान है। अब फाइनली हम आ चुके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, टूरिज्म। यानी कि हम जो घूमने फिरने जाते हैं ना कहीं भी, और वहाँ जाके हम बहुत ही मस्ती करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी स्पेंड करते हैं। ये जो हमने पैसा स्पेंड किया ना वहाँ, इससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ। हमने जाने अनजाने में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिया, रोज़गार दिया, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, और यही है टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया के अंदर में इस समय 15 मिलियन लोगों को जॉब मिल रहा है, यानी कि रोज़गार मिल रहा है इस टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ से, यानी कि वो लोग डायरेक्टली इंगेज है टूरिज़्म सेक्टर पे। ये तो मैंने डायरेक्टली कहा, इनडायरेक्टली तो कई ज़्यादा है, मैं गिना नहीं सकता। इसी के साथ साथ टूरिज़्म से प्रमोट होता है नेशनल इंटीग्रेशन। कैसे, देखो अब मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो मैं मान लो साउथ इंडिया में जाता हूँ, वहाँ का नया कल्चर देखता हूँ और मुझे बहुत सही लगता है, अरे यार ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता, ये तो बहुत ही औसम है यार। फिर मैं जाता हूँ नॉर्दर्न इंडिया पे, राजस्थान, बिहार, यूपी, वहाँ जाके देखता हूँ, अरे यार यहाँ के लोग तो बहुत ही मस्त है, गजब किस्म के बकचोदिया करते हैं, यार मुझे भी करना है। फिर यार मान लो तुम आते हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, देखते हो यहाँ के लोगों को, बात करते हो और पता चलता है कि यहाँ के लोग तो काफ़ी कूल है। तो इससे क्या हुआ, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और यहाँ जाने अनजाने में ही नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हम आपस में इकट्ठे मिलकर रह रहे ड्यू टू ट्रैवलिंग, टूरिज्म, समझ गए। तीसरा चीज़, टूरिज्म से जो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट, मतलब वहाँ के हाथों से जो बनाया हुआ लोकल चीज़ है उसे हम खरीदते हैं। हर जगह कोई यूनिक चीज़ होता है, हम उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट का, उसे भी इससे सपोर्ट मिलता है। और फोर्थ जब होता है टूरिज़्म, दुनिया भर के लोग इंडिया में आएगा, इंडिया को देखेगा और समझ पाएगा कि इंडिया का कल्चर, और वो समझ पाएगा कि इंडिया का कल्चर एंड हेरिटेज कितना बड़ा है, हाउ ब्यूटीफुल वी आर, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतने ज़्यादा गॉड, इतने ज़्यादा लोग, भाई साहब क्या बताओ, इतना औसम सा तो कंट्री है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कई बार देखा है और मैं चीज़ सोचता हूँ बस, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब भी कोई फॉरेनर इंडिया पे आ रहा होता है ना, हम यार कुत्तों की तरह उसके पास पहुँच जाते हैं, भाई साहब एक फ़ोटो खिंचवा दो, मतलब तुम एक आम इंसान को बस उसके रंग के हिसाब से तुम उसे सेलिब्रिटी बना देते हो। भाई वो घूमने आया है, घूमने दो, हाँ तुमसे अगर एक बॉन्डिंग हो रहा है, फ्रेंडशिप हो रहा है, ठीक है, बट ये जो दो रुपये वाला हरकत होता है ना भाई, ये चीज़ मत किया करो, मतलब गंदा लगता है देखने में, बस वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट की तरह देखो, मतलब भाई साहब कुछ भी। और फिर आखिरी चीज़, जब टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो क्यों आते हैं, वो हेरिटेज यानी कि हमारा जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स है उन्हें देखने, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर के लिए, कल्चर को समझने, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, ये सारी चीज़ है। तो आई गेस मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है, काफ़ी लंबा था, लिटरली मुंह दर्द दे दिया मेरा, और तुम लोग भी शायद सुन के थक गए होगे, तो कर लो अब आराम जितना करना है, और जाते जाते यार वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से मुझे मिलता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, और आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, बस तुम्हें एक लाइक करना और कमेंट करना, बस और क्या चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल।